और अब बात करते हैं रतलाम की, जहां जिला पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष लालाबाई और सभी निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य विधायक सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में दोपहर 11:30 बजे शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण के बाद जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन भी आयोजित किया गया। गौरतलब है कि रतलाम जिला पंचायत अध्यक्ष पद SC वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया था, जिसके बाद जावरा तहसील के भुतेड़ा ग्राम की लालाबाई जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं। वहीं जिला पंचायत के 16 वार्डों में अध्यक्ष सहित कुल 9 महिलाएं चुनाव जीत कर जिला पंचायत पहुंची हैं। इसे लोकतंत्र की खूबसूरती ही कहेंगे कि मध्य प्रदेश में पहली बार बागरी समाज की महिला को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लालाबाई भुतेड़ा गांव में कवेलू और पतरे के कच्चे मकान में रहती हैं। उनके पति शंभूलाल गांव में चाय की दुकान चलाते हैं। शंभूलाल के पास 4 बीघा जमीन है, जिस पर उनका परिवार खेती कर अपना गुजर बसर करते हैं। बेहद सामान्य परिवार की लालाबाई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें अक्षर ज्ञान और हस्ताक्षर करना आता है। रतलाम जिला पंचायत अध्यक्ष पद इस बार SC वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया था, जिस पर भाजपा की उम्मीदवार लालाबाई नजदीकी मुकाबले में एक वोट से विजयी हुई हैं। लालाबाई हालांकि सामान्य गृहिणी हैं और घर के कृषि कार्यों में अपने पति और बेटों का हाथ बटाती हैं, लेकिन राजनीति के मामले में लालाबाई वर्ष 2010 में जावरा जनपद की सदस्य रह चुकी हैं। वहीं 2015 के चुनाव में भी उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा था, जिसमें महज 19 वोटों से उनकी हार हो गई थी। लेकिन इस बार लालाबाई को मतदाताओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का साथ मिला और आज वह जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिरा 24 न्यूज़।